मित्रों नमस्कार, मैं श्रवण कुमार कृष्णकांत के साथ गुरु चेला चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज घर में माताओं बहनों और आप सबके लिए वीडियो है। घर में जो दूध आता है अपने बाहर से, ज़्यादातर बाहर से ही आता है, मेरे घर में तो गाय है भाई, मैं तो अपना घर का दूध पीता हूँ। तो 90% घरों में दूध बाहर से आता है, तो उसमें कितना पानी मिलाया हुआ है वो कैसे पता करें, तो आज उसी के ऊपर वीडियो है। तो उसके लिए एक छोटा सा यंत्र अपने को लाना है, इसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। पानी दूध में कितना मिलाया हुआ है उसको एक सेकंड में अपने पता कर लेंगे। ये लैक्टोमीटर बाज़ार में मिलता है, लैक्टोमीटर बाज़ार में मिलता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और ग्वाला इसको देखते ही डरता है कि अब पकड़ में आ जाएगी चोरी। तो पहले इसको लैक्टोमीटर का अपने कमाल देखते हैं कि लैक्टोमीटर की असली कहानी क्या है। तो मैं इसके अंदर देखिए पानी डाल दिया हूँ। और लैक्टोमीटर की खास बात यह है कि पानी के अंदर इसका जो मीटर है वो ज़ीरो पे रहता है। ऊपर में देखिए ज़ीरो, फिर 10, फिर 20, 30, 40 ऐसे रहता है, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको यदि अपने पानी में डालते हैं लैक्टोमीटर को, तो ये पानी में डालने के बाद ये ज़ीरो पे आके रुक जाएगा, ज़ीरो से नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अब ये देखिए एकदम ज़ीरो के पास ये लैक्टोमीटर आया हुआ है। यहाँ पे पूरा डूबा हुआ नहीं है, वो नीचे से पेंदे से ऊपर है, देखिए पेंदे से ऊपर है और ऊपर में ये ज़ीरो के पास इसका एकदम ज़ीरो के पास है, देखिए ज़ीरो से नीचे नहीं जाता है। अब क्या करें, अब क्या होगा यदि हम दूध में इसको नापेंगे, तो चलिए दूध डाल के देख लेते हैं। तो ये पानी तो मैं निकाल लेता हूँ, ये मैंने लैक्टोमीटर निकाल लिया। पानी निकाल लिया, ये देखिए दूध का लोटा है, इसके अंदर ही डाल देता हूँ, ठीक है जी। अब ये दूध का द्रव्यमान है जो 30 तक यदि होता है, 30 से 28 तक होता है तो होता है प्योर। तो ये अभी आपके सामने प्योर दूध है और ये आपको 30 तक दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है, साफ है। अब इसमें यदि अपने पानी डालते हैं तब क्या होता है देखते हैं, ठीक है जी। अब पानी डाल के देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मैं इसके अंदर दूध डाल के पानी डाल देता हूँ। ये इसमें डाला और मानिए हमने इसमें दूध ये डाल दिया, दूध डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं पानी, ये भी मैंने छोड़ा नहीं है, देखिए इधर डाल देते हैं पानी। अब पानी डालने से इसका देखिए कितना हो जाता है द्रव्य, पानी इसमें मिक्स कर देते हैं। चलिए मिक्स करके मैं छोड़ रहा हूँ, ये कहाँ रुकता है देखिए। अब ये चला गया अंदर, पहले उधर देखिए प्योर दूध था तो कितना था, अभी ये आ गया है 20 के आसपास, 20 के आसपास आ गया, दिखाई दे रहा साफ, फोकस कर लीजिए, आ रहा है, है? ठीक है, थोड़ा दूर हो जाइए, अभी जूम करिए, 20 आ रहा है, 20 के आसपास है। अब जैसे जैसे इसमें पानी बढ़ता जाएगा ये लैक्टोमीटर बाहर आता जाएगा, देखिए जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा ये अपने आप बाहर आता जाएगा। अब देखिए पहले 22 के लगभग था, अभी 20 के अंदर चला गया है। अब इसमें और यदि पानी डालेगा तो वो और नीचे चला जाएगा, और एकदम प्योर पानी हो जाएगा तो फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इतने इसमें दूध में जितना पानी मिलाएंगे उतना ये नीचे जाता जाएगा। तो दूध की पहचान यही है, प्योर दूध जब होगा वो आपका 28 से 30 तक रहेगा। यहाँ पे
ये जो 30 दिखाई दे रहा है 30 से 28 के बीच में रहेगा। बस इतना सा आपको करना है। करना क्या है, बाज़ार जाना है, आज ही बाज़ार चले जाइए कोई भी मेडिकल की दुकान में कि भैया एक लैक्टोमीटर दे दे। और लैक्टोमीटर में रहती है एक ऐसी ट्यूब, ऐसे आती है, ऐसी डब्बी आती है। अब आपने को क्या करना है, बर्तन वाला दूध जो है, दूध वाला जो बर्तन है उसी में इसको लेना है और इसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा इसी में दूध डाल लीजिए। जैसे इसमें अपने पानी डाल देते हैं, वैसे बर्तन में इसको लेके ऐसे दूध डाल लीजिए। मापने का तरीका आपको बता देता हूँ। और अब ये जैसे आपने पानी डाला उसकी जगह समझिए आपने दूध डाला है। अब मैं इसके अंदर इसको डाल देता हूँ, ठीक है जी। पहले इसको धो लेते हैं, कम कर देते हैं। अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं, डालेंगे तो ये डूबेगा। अब देखिए ये जीरो में चला गया, कोरा पानी है ना, ये जीरो के पास चला गया है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा घुमाऊँ क्या, ये लेके जीरो के पास आ गया। अब इसमें दूध रहेगा ना, तो आपका दूध जो यदि बाहर भी गिरेगा तो आपका बर्तन में आएगा। फिर इसको निकालिएगा वापस इसमें इलेक्ट्रोमीटर में डाल के, और इसको दूध वाले इसको धो करके, इसको मीटर को और इसको धो के, धो लेना ज़रूरी है क्योंकि दूध इसमें आप छोड़ देंगे तो गंद मारने लगेगा, सड़ जाएगा। तो इसको धो के अच्छे से वापस रख दीजिए और दूध वाले भैया को बोल दीजिएगा कि भैया हमारे पास ये इलेक्ट्रोमीटर है तो आप भले ही 5 रुपया ज़्यादा ले लो किलो का, लीटर का 7 रुपया ज़्यादा ले लो, लेकिन प्योर दूध दो। प्योर दूध जो होगा उसका मीटर 30 से लेकर 28 तक रहेगा। तो ये आपके घर में यदि होगा, इसको यदि आप दूध वाले को दिखा दोगे तो वो दूध आपको प्योर ही देगा, क्योंकि उसको पता है कि पानी का, इससे पता चल जाता है कि दूध में कितना पानी है। बाकी अनुभवी जो माताएं बहनें हैं वो दूध को ऐसे हाथ में लेके भी पहचान लेती है कि उस दूध में कितना पानी है, कि प्योर है कि क्या है। तो अनुभवी तो अभी उतने रहे नहीं क्योंकि गायें भैंसे भी नहीं हैं, टोटल माल बाज़ार से आता है। तो इतनी सी अपने को सावधानी रखनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप या ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों के पास शेयर करिए, जो वो इसको, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप साइंस वाली दुकान से लाओगे तो ये 20-30 रुपए का है, और मेडिकल से लाओगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50-60 रुपया लेगा, हद मार के 70 रुपया ले लेगा, इतना ही कीमत है इसका। तो ये आपके घर में यदि रहेगा तो दूध वाले को ये दिखा देना खाली कि भैया ये मेरे पास है, हफ्ते में एक बार दूध चेक करूँगी, और यदि इसमें इधर उधर मीटर हुआ तो उस दिन का पैसा गायब, इतने में आपका काम हो जाएगा। 50 रुपया एक बार ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ 50 रुपया, और इसको संभाल के रखिए क्योंकि ये फूट गया तो ख़त्म है। तो इसको एक बार नाम लिख लीजिए, लैक्टोमीटर इसको बोलते हैं, और इससे दूध को प्योरिटी का, उसमें पानी कितना डाला हुआ है वो अपने को तुरंत पता चल जाता है। ऐसे डाला एर कि अरे भैया आज पानी ज़रूर डाला है तुमने, तो खाली इतना बोलने से अपना काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी मुहिम का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी इसी तरह आपके उपयोग में, आपके आपके काम आने वाली चीज़ें और अंधविश्वास दूर करने वाली चीज़ें या आपके जीवनोपयोगी चीज़ें हमारी गुरुचला में आपको देखने को मिलेगी, और अंधविश्वास मिटाने की भी वीडियो मिलेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मेरा और बंटी भाई का आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्यार अपना बनाए रखें, नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है, तो मित्रों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरा
और कृष्णकांत का आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।